हमारी ट्रेन ये है और हम इसी ट्रेन से जाने वाले हैं हल्द्वानी काठगोदाम। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर से एक बार न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं हूँ देहरादून में और आज मैं जा रही हूँ देहरादून से हल्द्वानी। तो हमारी आज देहरादून से बाय बाय होने वाली है और अभी हो गया दिन का 1 बजे का टाइम और सिखाने मंगा लिया है यहाँ पर पनीर रोल खुलने से दोस्तों। तो आज मैं पनीर रोल खाने वाली हूँ, बहुत टेस्टी होता है। कभी सीखा तो मैंने तो खाया नहीं पहले, लेकिन आज फर्स्ट बार ट्राई करूँगी। तो आज तुम्हारे दिन का लंच यही है और सुबह भी हमने आज आलू का पराठा और चाय खाया था। और अभी हमारा है दिन में पनीर रोल, टेबल है इसमें और पनीर है बहुत सारा। तो ये हम खाने वाले हैं अभी लंच में और उसके बाद हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर में हल्द्वानी के लिए। तो 3:55 की हमारी ट्रेन है, 3:55 पर हम जाएंगे हल्द्वानी के लिए यहाँ से स्टेशन में और मिलते हैं आपको आगे। तब तक के लिए बने रहें आप हमारे साथ और चैनल पर जो न्यू हैं, पहली बार हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फाइनली हमारी तैयारी हो चुकी है जाने की और 3 लगेज हैं हमारे पास, ये 2 सिखा के हैं, ये मेरा है। तो अब हम जा रहे हैं सीधे हल्द्वानी को। तो हम निकल रहे हैं अभी हल्द्वानी के लिए, बाय बाय देहरादून। तो यहाँ से हमें नीचे 4th मंजिल लेनी है, अभी यहाँ से हमको जाना है नीचे। हाँ, यहाँ से हमने ले लिए हैं पलम सिखा के पसंद, नहीं उनसे पैसे लेने हैं ना भैया पैसे। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं रेलवे स्टेशन और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, आज धूप नहीं हो रही है और अभी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम है यहाँ पर। हम जल्दी आ गए हैं, अभी 2:30 बजे है और ट्रेन है हमारी 4 बजे की, यानी 3:55 की ट्रेन है। तो काफ़ी टाइम है, ट्रेन ठीक हो रहा, कोई नहीं, हम जल्दी आ गए इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है देहरादून में, तो इसलिए जल्दी आना पड़ा। यहीं बैठे रहेंगे, ट्रेन तो नहीं छूटेगी कम से कम। हमारी ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई, हमारी ट्रेन ये है और हम इसी ट्रेन से जाने वाले हैं हल्द्वानी काठगोदाम। और पहुँच चुके हैं हम स्टेशन में, तो अब हम ढूंढते हैं सीट कौन सी ठीक है करके। D1 ढूंढते ढूंढते हम चले गए लास्ट में, लेकिन हमको D1 नहीं मिला अभी और D1 हमारा पीछे छूट गया है, हमारी क्लास है D1 में, तो फिर से हमको जाना पड़ेगा उधर। तो दोस्तों, आप होना चाहिए, मुझे कोई आइडिया नहीं है।